हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विनय ओवरसीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। शेयर प्राइस 276 रुपये और एक दिन में 3% की तेज़ी यहां देखने को मिली। पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 महीनों में 21% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 527% के पॉजिटिव रिटर्न, यानी पिछले 6 महीनों में पैसा 5 गुना किया है। पिछले 1 साल में 331% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 600% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 600% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक में वर्क कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 278 करोड़ का है। स्टॉक का लो 42 रुपये, स्टॉक है 283 रुपये, बुक वैल्यू 25 रुपये है, ROC नेगेटिव है 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है 15%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रमोटर होल्डिंग 71% है और डेप्ट की बात करें 0.55 है, यानी 14 करोड़ का डेप्ट देखने को मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। दिसंबर क्वार्टर में 0.27 करोड़ का लॉस हुआ है। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 4 करोड़ का लॉस देखने को मिला। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो मात्र 16 करोड़ के ही रिजर्व हैं और 14 करोड़ के यहाँ पे बोरोइंग्स हैं। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71% के स्टेक्स हैं, बाकी 28% के स्टेक्स पब्लिक के पास हैं। और यहाँ पे बात करें BSE पर तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि कंपनी ने कब डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या बोनस दिया है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो कंपनी है 24 फरवरी को 10 शेयर के बदले 13 शेयर यहाँ पे बोनस देने वाली है और इसी के साथ साथ अपने स्टॉक स्प्लिट करने वाली है। 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद मिलने वाले हैं। तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक देखने को मिले और इस स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट और बोनस की वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटीज भी देखने को मिल सकती है और इतनी तेज़ी होने के बाद अगर आप इस स्टॉक को इस प्राइस पर खरीदते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना डिसीजन जरूर लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।